वेल, मेरा नाम है हिमांशु। बेसिकली मैं स्टेज से बिलोंग करता हूँ, IIT इप्टा वगैरह काफ़ी थिएटर किया मैंने। बीच में जो DD1 पे आती थी चाणक्य सीरियल, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था महाअमात्य वक्रनास। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा गैप दे दिया था अपने बिजनेस के सिलसिले में। अपने बिजनेस के सिलसिले में बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था और उसके बाद तो वापस मैंने शुरू किया TV सीरियल, मूवी सुल्तान और काफ़ी अलग अलग। सत्यमेव जयते की शूट मैंने ख़त्म करी है, एक दो और लाइन में है प्रोजेक्ट। तब मेरी मुलाकात हुई रोहित जी से और उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज करी दल्ला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तिवारी जी उनके प्रोड्यूसर थे। और जो हैंकॉक के बारे में हमारी जब चर्चा होती थी एक बैठक के दौरान, और मानो न मानो रोहित जी इस हैंकॉक को लेके बहुत ही एक्साइटेड थे, और जो उन्होंने कर दिखाया है, जो हैंकॉक को आज ये लॉन्च किया है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, बड़ा। और इसको जब आप डाउनलोड करके इसमें जो भी कंटेंट है, जैसे सनक है, काफी घोस्ट है, तो ये आप अपने मेरे हिसाब से फैमिली के साथ बैठकर इंडिविजुअल देखना चाहे तो देख ही सकते हैं, पर साथ में फैमिली के साथ भी आप देख पाएंगे। ऐसे कंटेंट है इसमें। हैंकॉक का जो एक मकसद था कि अच्छे कंटेंट, अच्छे कलाकारों को लेकर, जो कलाकार स्टेज से जुड़े हो, जो कलाकार एक अपने आप में एक दम रखता हो, उनको लेकर अच्छे कंटेंट बनाया जाए, और उन्होंने वही काम किया है। और मेरे हिसाब से जिनको फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए, जिनको पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें अपना अपने पास हैंकॉक को डाउनलोड करना चाहिए और इनका कंटेंट देखना चाहिए। मैं आप ऐसे की जानना चाहूंगा, कैसे आप रिलेटेड हैं हैंकॉक से, और क्या रिलेशन है रोहित जी के बारे में, जो कि डायरेक्टर थे फीमेल और कंटेंट। जी, मेरा नाम रेशमा खान है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूं और मैं 6 साल पहले मुंबई से आई थी, मतलब लखनऊ से। तो थोड़े दिन स्ट्रगल किया, उसके बाद मेरी मुलाकात रोहित सर से हुई और आज अभी तक मैं रोहित सर के साथ हूँ। मैं एज ए डायरेक्शन में भी काम करती हूँ और एक्ट्रेस भी करती हूँ। अभी मेरी घोस्ट ट्रिप, पीछे आप पोस्टर देख रहे होंगे लगा हुआ है, तो उसमें मैंने एज ए थर्ड लीड कैरेक्टर किया है और कई सारे शीमेल में भी मैंने कैरेक्टर किया है, करती रहती हूँ। और ये अपना जो हैंकॉक है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसको आप अगर डाउनलोड करके इसमें जो भी कंटेंट देखेंगे ना, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, एक सस्पेंस थ्रिलर ऐसी मिलती है, एक कहानी जो मतलब इंजॉय करेंगे आप, समझ नहीं पाएंगे मतलब कैसा क्या चल रहा है, अभी आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इस तरह से एक इंटरेस्टिंग इसमें कंटेंट आ रहे हैं। जो सेलेक्ट होते हैं कंटेंट, बहुत ही चूज करके सेलेक्ट किए जाते हैं, और बहुत ही अच्छा है ये हैंकॉक प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए। आप लोग डाउनलोड कीजिए और हैंकॉक ऐप का लुत्फ उठाइए। मैं इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, ये हमारे रोहित सर जी की बेटी है अंशिका रोहित चौधरी, और बहुत ही होनार बच्ची है, और आगे चल के आप उनको अच्छा काम करते हुए देखेंगे अपने पिताजी की तरह। थैंक यू। तो रोहित जी, वैसे क्या है कि नॉर्मली ये जो चीज है वो एक्टरों के साथ होती है, एक्टर बोलते हैं कि मैं वन टेक एक्टर हूँ, लेकिन रोहित जी बोलते हैं कि मैं वन टेक डायरेक्टर हूँ। तो ये उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि इसके अंदर जिस टाइप का आजकल काम हो रहा है उसके अंदर परफेक्शन के साथ एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत है, और वो है टाइमलाइन, जिसके लिए कि रोहित जी परफेक्ट टास्क मास्टर हैं। तो टाइमलाइन को बड़ा पकड़ के लेके चलते हैं, ऊपर से उनकी क्रिएटिव टीम, टेक्निकल टीम, DOPs, सब मिला के काम करने में बड़ा मज़ा आया, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा हैंकॉक पे। सिस्टम अपडेट में मैंने डॉटर का कैरेक्टर किया है, इनकी डॉटर का,
और ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक जिसमें बच्चों की किडनैपिंग होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे कि आगे क्या होगा, अब कैसे होने वाली है चीज़ें। तो उसमें ये हम लोग काफ़ी मिडिल क्लास की फैमिली दिखाई गई है, मतलब एक विक्टिम फादर का की जर्नी है, किस तरह से वो निकलता है, किस तरह से अपनी बेटी के लिए कुछ कहानी में टर्न आता है, फाइट बैक करता है जो फादर, और इतने स्ट्रगल के बाद भी लास्ट में, मतलब अभी रिवील तो नहीं करूंगी बट लास्ट में ही विन फाइनली। मैं समीर राव साहब, डक्स एंड रेक्स नाम की जो सीरीज है उसका मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने ही लिखी है कहानी। किस तरह की फिल्म है, स्टोरी क्या है कहानी? एक्चुअली ये एक कहानी है, एक लड़के की कहानी है, एक हिल स्टेशन पे रात को उसकी आखिरी बस छूट जाती है, उसको एक लड़की मिलती है, वो लड़की उसको अपने कॉटेज पे लेके जाती है और उसके बाद कहानी शुरू होती है जो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो कहानी तो पूरी बता नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन बिल्कुल हटके कहानी है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह की कहानी है। एक अलग, बहुत ही अलग किस्म का एक सस्पेंस थ्रिलर है, इट्स अ व्हाट यू कॉल, इट्स अ ट्रैप ड्रामा। कितना पसंद करते हैं आजकल ऐसी फिल्मों? बेसिकली अभी यूथ का चॉइस अगर देखेंगे तो मैक्सिमम यूथ जो है वो सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर और कुछ ऐसे हटके सब्जेक्ट है जिनको बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज किया है। जितने भी चेहरे हैं सब न्यूकमर्स को काम दिया गया है, खास मकसद? न्यूकमर्स तो नहीं है। हाँ, एक्चुअली मेरी स्टोरी में तो अंकित बाटला है जो टीवी के बहुत बड़े स्टार है, सिमरन सचदेवा है वो भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है, विजय पाटकर जी है वो तो बहुत पुराने और नामचीन एक्टर है। एक्चुअली सर नए टैलेंट को भी, यानी ओटीटी आने से नए टैलेंट को भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है और होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्या होता है कि सर नए नए टैलेंट जब आते हैं तो हमको भी कुछ और करने का मजा आता है, क्यों वो रूटीन जो चेहरे होते हैं ना उनसे हटकर, मतलब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के वजह से जो आर्टिस्ट, मतलब जो थिएटर आर्टिस्ट थे कि जो बहुत ही रॉ और बहुत ही टैलेंटेड थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ। तो एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटिव हेड और एज ए प्रोड्यूसर हमें भी काम करने में मजा आता है क्योंकि उनके साथ में जो एक उनकी आइडेंटिटी होती है, इंथुजियाज्म होता है, एक अलग पैशन होता है उनके अंदर, तो उसके साथ काम करने में और एक मजा होता है ना। सर अपना नाम? मैं मुरजी गामी, हमारा सिस्टम अपडेट और एक दूसरा ड्रिंक एंड ड्रग्स, डक्स एंड ड्रग्स, ड्रिंक एंड ड्रग्स, ये दो अलग अलग किया है। किस तरह की स्टोरी है? स्टोरी लाइन में तो ऐसा है कि वो किडनैप सिस्टम, एजाज खान तो वैसे भी क्या होता है कि कई बार जो होता है ना कि सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और ये सारे इंसिडेंट्स के पीछे, तब जब पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है तो हर वक्त पुलिस डिपार्टमेंट पे ही धब्बा आता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो डिपार्टमेंट है ये राउंड द क्लॉक 24 आवर अपनी पूरी मेहनत से, अपनी लगन से हर केस को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। और सिस्टम अपडेट में यही बताया गया है कि एक बहुत बड़ा किडनैपिंग का रैकेट होता है और जो हमारे IPS ऑफिसर है जिनका किरदार एजाज खान जी ने निभाया है, वो किस तरह से इस केस को सॉल्व करते हैं। कितनी एंगल से आपने एजाज को लिया है एज ए प्रोड्यूसर, क्या कहना चाहेंगे?
सर अभी एजाज खान तो इतनी बड़े स्टार है, आज इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोअर है, इतना बड़ा नाम है, इतनी सारी फिल्में उनकी रिलीज है, और जो कैरेक्टर सीरीज में था, जो सरदार एसी रोल था, उसके लिए उनकी पर्सनैलिटी और लुक और जो उनका काम करने का जो स्टाइल है, वो रोल को इतना परफेक्ट सूट होता था, इसीलिए एजाज खान जी को हम लोगों ने कास्ट किया। जी मेरा नाम रोहित चौधरी है, मैं बॉलीवुड डायरेक्टर हूँ, 97 से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने काफ़ी कुछ काम किया यहाँ पे, और अभी जो हैंकॉक OTT ऐप है, इसका जो मुंबई का सब कुछ हेड है, सब कुछ मैं ही संभालता हूँ। तो ये हैंकॉक OTT ऐप लाने का मकसद ये था कि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी सुन रहे हैं मीडिया में भी, कि वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई थी इंडस्ट्री में। उसके बाद में फिर कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल लाए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने बहुत साफ सुथरा और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट निकाले कि जिसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो और स्पेशल है जिसको आप पसंद भी कर सकते हो। तो हैंकॉक OTT ऐप लाने का रीजन यही था कि अच्छे से अच्छे कंटेंट निकाले, लोगों तक पहुंचे, उनका मनोरंजन हो। मैंने अभी तक जो इनमें तीन फिल्में, तीन प्रोजेक्ट मेरे हैं, जिसमें सिस्टम अपडेट का डायरेक्टर मैं हूँ, शीमेल का डायरेक्टर मैं हूँ, और सनक मैंने किया है, इसमें एज ए डायरेक्टर मैं ही हूँ। ये अलका सिंह है, हमारी जो सीमेल प्रोजेक्ट है उनकी हीरोइन है, तो अलका जी अपने बारे में खुद बताएगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सीमेल का, एक किन्नर के ऊपर है, जो हमारी हीरोइन है उसमें किन्नर का कैरेक्टर किया है। किन्नर इन द सेंस, आज के टाइम में हमारे समाज में जैसे नॉर्मल इंसान है, हम लोग थोड़ा सा उनसे दुआ तो लेना चाहते हैं लेकिन उनके बारे में सोचते नहीं है कभी भी, ऐसा लगता है कि पैसे दे के थोड़ी दुआ मिल जाए बस हमारा काम हो जाए, उससे ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। हमने उनकी एक इंटरनल स्टोरी दिखाई है कि उनके अंदर भी दिल होता है, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ऐसे आ जाते हैं हमसे पैसा मांगने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दर्शाए इसमें, और एक पॉजिटिव दिखाया उनका बहुत अच्छा, कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनसे लोग प्यार से बात करें। इससे पहले भी काफी सारी फिल्में आई हैं, दरमियान है शायद आपको पता होगा, जी जी, और सड़क मूवी है, आपके हिट तो यार काफी बिजनेस किए हैं, और अभी भी एक दो फिल्में आई बीच में, तो इस तरह की फिल्म लोग अभी कितना पसंद करते हैं आज के 2021 के अनुसार? एक्चुअली जो शीमेल में जो कैरेक्टर है हमारा, एक गांव से आया हुआ सीधा साधा लड़का जिसको मुंबई जैसे शहर में कोई नहीं जानता और कोई उसको अपनाता भी नहीं है, ना उसको कोई काम देता है, उसके जो अपने दोस्त थे वो भी धोखा दे चुके हैं, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जिस टाइम पे उसको एक किन्नर सहारा देता है, तो एक आम इंसान को एक आम इंसान सपोर्ट नहीं करता है, बाकी हम लोग जिनको थोड़ा सा अलग समझते हैं समाज में वो लोग उसको एक सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो बाउंडिंग दिखाई है हम लोगों ने, और फिर उसके बाद वो कैसे कहानी चलती है, तो वो हमने दर्शाया। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी, जो मेरा नाम अलका सिंह है। मैंने इसमें एक मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया एज अ हीरोइन का, जो किन्नर पे है, ये रियल बेसिड पे स्टोरी कि एक्चुअली में किन्नरों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। हम उन्हें उनको सड़क पे हम मिलते हैं तो नॉर्मल बस वो दुआ देते हैं, मजाक मस्ती, बट वो एक्चुअल में उनकी फीलिंग, उनकी क्या चीज़ें, वो भी हमारे जैसा एक आम इंसान है, तो हमने वो चीज़ इसमें दिखाई है। जो शीमेल नाम है इस वेब सीरीज का, जो बहुत ही जल्द हैंकॉक प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। आपने कितनी तैयारियां की इसको लेकर कि किन्नर कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका तरीका? बस मैं इनका क्रेडिट तो रोहित सर को देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है कि मतलब लाइक कैसे उनका एक्शन, बात करने का ढंग, तौर तरीका, तो ये सर पूरा मैं क्रेडिट रोहित सर को देना चाहूंगी। इस तरह की जो फिल्में होती है उनके स्क्रीनिंग के लिए खास किन्नर को बुलाया जाता था, एक फिल्म का मूड पड़े, लोग देखे, एक मैसेज दे दे। नहीं, हमने जो शूटिंग की है एकदम रियलिटी की है, ऐसा जैसे कि हमने ऑन रोड करा है पूरा रियलिटी, लाइक हमने ये एकदम रियलिटी शो है, और हमने एकदम जो शूट भी करा है एकदम रियल में किया, ये नहीं कि हम किन्नर बने हैं, हम लोगों को सिखा के रखे कि जैसे कि हमें मांगना है, एकदम रोड पे हमने मतलब एकदम रैंडम करा है। पब्लिक भी बहुत सारे, पब्लिक को लगा था कि एक्चुअल में हम लोग रियल में किन्नर है, हमें पैसे भी काफी सारे मिले थे उसमें। बहुत बहुत हमारे टीम मेंबर बोलो, हम सब बोलो, हम सेट पे काफी सारा मस्ती किए काम के साथ साथ ही। कितनी सावधानी बरती है, वो सारी चीजें हैं, किन्नर का समाज बिल्कुल अलग है, चाहे उनकी मौत का मामला हो या फिर कहीं पे बधाई देने का मामला हो। हमारी कहानी में जो हमने दिखाया है किन्नर को, काफी हमने उसके बारे में मैंने काफी पढ़ा है, समझा है काफी टाइम से,
रीड किया हुआ है, तो हमने उस चीज का ध्यान रखा है कि किसी को ठेस ना पहुंचे। हाँ मालूम है, अंतिम यात्रा रात को ले जाती है, और अंतिम यात्रा हमारे इसमें किन्नर जो है, हमारे इसमें जो मेन किन्नर जो लड़की बनी जो अलका है, इसकी डेथ भी हो जाती है, जिसके बाद में हमने रात को ही दिखाया इसको। हाँ नहीं नहीं वो सिचुएशन नहीं थी, हमने पूरा जनाजे का नहीं दिखाया, सिर्फ जो सिस्टम था थोड़ा सा हमने लिया, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उनको ठेस पहुंचे। नहीं मुझे जब मैंने ये स्टोरी सुना तो मुझे काफी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि मैं एज एक किन्नर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मैं बहुत काफी खुश हुई थी और मुझे काफी अच्छा लगा काम करके।